ये देखिए पहनूंगी तो अच्छा लगेगा ना। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेल, आज की वीडियो जो है वो मेरी कुछ गिफ्ट्स के हवाले से है। गिफ्ट्स ओपनिंग करनी है मैंने। सो अभी सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं ड्रेस जो कि मेरे हस्बैंड लाए मेरे लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। इधर नहीं, इधर जाना क्योंकि इधर पड़ी मैजिक ड्रेसेस नहीं, जस्ट एक ड्रेस, क्योंकि बाकी जो ड्रेसेज हैं वो मैंने ऑनलाइन लेने हैं और वो जब आएंगे तो आप लोगों के साथ वो वाली वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। सो ये वाला एक ड्रेस है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और ये मेरे हस्बैंड लाए हैं मेरे लिए। जी कहाँ से लाए हैं, ये सरगोधा से लाए हैं और आज आप लोगों को पता चल ही गया कि मैं कहाँ पर रहती हूँ घर। कोई बात नहीं, ये है जी मेरा गिफ्ट और इसको ओपन करने की ज़रूरत है या नहीं है? डिज़ाइन तो देख लिया आपने हैं, फिर भी ओपन कर चल। ओके, कोई बात नहीं, ओपन करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये वाला शेयर करती हूँ। ये लॉन का ड्रेस है, इसके साथ शैफॉन का दुपट्टा है। बहुत अच्छा ड्रेस है, मुझे बहुत पसंद आया। सबसे पहले जी ये ट्राउज़र है, बिल्कुल भी डिज़ाइनिंग वाला पेन तो नहीं है। अच्छा जी ये दुपट्टा कैसे लगे मेरा पहन चेक तो। अच्छा, मुझे येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने अपने हस्बैंड से यही बोला था कि आप प्लीज़ मेरे लिए येलो कलर भी लाइएगा। एनीवे जी, इसके साथ जी ये वाली है जी मेरी शर्ट, समझ तो गए होंगे आप, ये पूरी फुल कढ़ाई हुई हुई है और काफ़ी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई है। अभी बस टेलर को तो नहीं खरीद दूँगी मैं, खुद स्टिच करूँगी बिकॉज आई एम टेलर, मैं टेलर भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मुझे हर काम आता है। तो ये वाला जो है ये मैं करूँगी जी स्टिच खुद इंशाल्लाह, बस थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाए, टाइम का इशू बना हुआ है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसको स्टिच कैसे किया। सो इसके अलावा क्या आया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, चीज़ें मेरे पास बहुत छोटी छोटी होती हैं लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये लाया जी मेरे हस्बैंड इयर रिंग्स, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। एक स्टाइल में आप पहले बहुत दिखाती हूँ, मेरा फेवरेट है। वाह, ट्रेंडिंग भाई ट्रेंडिंग, आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है ये वाला बहुत ज़्यादा झुमका, तो मैंने सोचा मैं भी ले लूँ। पहले मेरे पास थे लेकिन वो और स्टाइल में थे, सो आई थॉट कि मैं ये वाला लूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की मतलब मैंने बोल दिया। तो मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं माशाल्लाह से, वो मेरी हर बात मानते हैं। जब मैंने उनको ये बोला है कि मुझे ये वाला चाहिए है, तो जब बाज़ार गए हुए तो मैंने उनको बोला मेरे लिए ड्रेस ले रहे थे गिफ्ट, तो मैंने उनको बोल दिया कि मेरे लिए आप ये वाले लेके आए, वो मेरे लिए लेकर आए। अच्छा जी, इसके अलावा वो अपनी पसंद से ये वाले भी लाए। पहन कर दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है, वो तो मैं ईद पर ही पहनूंगी, मैं आप लोगों के साथ ईद पर ही शेयर करूँगी। खैर छोड़ें, ये हैं जो मेरे झुमके जो मैं ईद पर पहनूंगी और इंशाल्लाह इसी ड्रेस के साथ पहनूंगी। तो अब जो मैंने बेड़ा वगैरह कर दी है सारी, उसकी फोल्डिंग का मैं फोल्ड करके रखूँ दोबारा से। और सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप सो कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। आप लोग तो लाइक भी नहीं करते, कमेंट तो आप लोग ऐसे ऐसे करते हैं कि मेरे का दिल जल जाते हैं। इतनी मुश्किल से हम लोग वीडियो बनाते हैं पंखे बंद करके, बच्चों को जलील करके हैं, और आगे से आप लोग लाइक भी ना करें तो फिर तो कोई फ़ायदा ही ना होगा ना। खैर खैर कोई बात नहीं, डिम्पल देखें आप लोग, मेरा डिम्पल कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, और कैसे बनाया ये मेरी दूसरी वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। एनीवे जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इसको मैं पैक कर दूँगी क्योंकि बच्चों के हफ्ते चढ़ गई ना, तो उसके बाद मुझे ये वापस नहीं मिलने वाले। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये लोकल आए, तो हाँ जी लोकल आए, लेकिन इतने सस्ते नहीं है, ठीक है ना, 300-400 रुपये से कम नहीं है ये। मैंने खैर प्राइस पूछी भी नहीं थी अपने हस्बैंड से, गिफ्ट तो गिफ्ट होते हैं ना भाई, उसमें प्राइस की क्या है वो वैल्यू है। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं इनको ज़रा फोल्ड कर लूँ, इनको दोबारा से पैक करके। आई लव दिस ड्रेस बिकॉज इसकी सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि इसकी जो कढ़ाई हुई हुई है ना, सीधा तो पकड़ लें अम्मा, ये देखिए पहनूंगी तो अच्छा लगेगा ना। ये हो जाएगा पैक और उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा, इल्मा यहाँ से तांका जहाँ की कह रही है, ताकि मैं भी कहीं ना कहीं इस वीडियो को भी मैं खुश जाऊँ। और आपको मैं बताऊँ मज़े की बात, इसके बल में हमेशा बम फटा रहता है।
हर टाइम में तूफान आया रहता है इसके बारे में। सो आई थॉट कि मैं इसके ऊपर एक पिन लगा दूँ। मैंने लगा दी इसके बाद, इसके बाल में मुझे पिन लगाई ना, उसके बाद इसके बाल इतने खूबसूरत लग रहे थे ना कि आपको क्या बताऊँ मैं। अभी तो ये सो के उठी है ना, बम फटा हुआ दोबारा से। खैर अच्छा, एक और चीज़ के आप लोगों के साथ मैं ये ज़रूर शेयर करूँगी कि आप लोग अपने बच्चों के हेयर्स पे क्या अप्लाई किया करें जो कि उनके बालों को अच्छा हेल्दी और ग्रोथ उनकी अच्छी हो। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।